हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इजी राइस रेसिपी। हम लोग तो फ्राइड राइस करते हैं और अगर आप इसके साथ थोड़ा सा गोभी और आलू मिक्स करोगे तो ये हो जाएगा बहुत ही टेस्टी। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे साथ और भी अटैच रहने के लिए इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को बच्चे के टिफ़िन के लिए भी दे सकते हैं। थोड़ा सा दही के साथ ये राइस रेसिपी बहुत अच्छा लगता है और कोई करी, चिकन रेसिपी, एग रेसिपी किसी के भी साथ ये बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये गोभी राइस बनाने के लिए मैंने ले लिया फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता। मैंने लिया 1/2 कप के करीब आलू और गोभी। मैं इसको पहले से बॉईल करके रखी हूँ। बॉईल करने के टाइम इसको फुल्ली बॉईल मत कीजिए, 50% बॉईल कीजिए। 2 मिनट तक मैं इसको बॉईल किया मीडियम फ्लेम पे। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो ये हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया 2 कटा हुआ हरी मिर्च, ले लिया 1 छोटी चम्मच नमक, 1/2 टीस्पून के करीब शुगर, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत यूज़ कीजिए, और ले लिया 3 बड़े चम्मच घी। आप घी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 7 से 8 काजू और खड़े मसाले में मैंने ले लिया दालचीनी, इलायची एंड लवंग। तो अब चलते हैं राइस की ओर। राइस में मैं इसको 100 ग्राम के करीब राइस लिया, मतलब 1 ग्लास। इसको मैं 80% तक कुक करके रखी हूँ और बॉईल करने के टाइम मैं इसमें दिया था दालचीनी, इलायची और लवंग, ये फ्लेवर के लिए। ये देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख रहे हैं कि राइस कितना खिली खिली है, इसको फुल्ली बॉयल मत कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने लो फ्लेम पे फ्राइंग पैन बिठा दिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। जैसे ही घी मेल्ट होने लगेगा मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो ये पूरा रेसिपी घी में भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा काजू को सौते कर लूँगी क्योंकि घी में फ्राई किया हुआ काजू बहुत पसंद है। तो देखिए जैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा मैं इसको अलग से रख दूंगी और उसी घी में मैं ऐड कर दूंगी पहले से बॉईल किया हुआ और कटा हुआ आलू और गोभी। तो अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूंगी। ये फ्राई करने में आपको लगेगा 4 मिनट और फ्लेम को रखना है बिल्कुल लो मीडियम पे। बहुत हल्के हाथों से इसको फ्राई करना है क्योंकि गोभी पहले से बॉयल्ड है, ये ध्यान रखना है कि ये टूट ना जाए। तो मैंने थोड़ा सा नमक दे दिया। नमक देने से इसका जो फ्राई किया हुआ गोभी है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए ये गोभी अभी भी नहीं हो रहा है। तो जैसे ही गोभी का कलर थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा मैं इसको अलग से एक प्लेट में रख दूंगी। तो गोभी और आलू फ्राई होके तैयार है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने घी में ऐड कर दिया सारे खड़े मसाले, आप चाहे तो दूसरा मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इलायची, दालचीनी, लवंग और थोड़ा सा काली मिर्च ऐड किया। अब मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्च और साथ ही साथ इसमें ऐड करना है बॉईल किया हुआ राइस और मसाले जैसे कि नमक, शुगर और काली मिर्च पाउडर। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी। देखिए मैंने जो चावल पकाने की टाइम इसको 80% तक कुक की थी इसलिए ये चिपक नहीं रहा है। और मैं अब ऐड कर दूंगी पहले से फ्राई किया हुआ गोभी एंड आलू। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हल्के हाथों से मिलाना है। फ्लेम को रखना है मीडियम पे, लो पे रखोगे तो चावल जो है वो नीचे से चिपक जाएगा और हाई रखने से भी ये चिपकेगा। तो मीडियम पे रखना है और बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच से इसको चलाना है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है। जो मैंने मसाला दिया जैसे कि नमक, शुगर, इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए ये जो चावल है कितना खिली खिली है और गोभी और आलू के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया है। तो मैं अब फ्लेवर के लिए ऐड कर दूंगी ऊपर से धनिया पत्ता। धनिया पत्ता देने से इसका जो टेस्ट है वो और भी दुगना हो जाएगा। तो देखिए ये दिखने में भी कितना कलरफुल लग रहा है। तो मैं सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं कर दूंगी गैस का फ्लेम बंद और इसको मैं सर्व करूंगी। तो अगर आपको ये बिना झंझट वाली रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल राकेश किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।